जय श्री राम भाइयों, आज हमारे कुछ पत्रकार मित्रों का फोन आया कि वो इस किसान आंदोलन से संबंधित कुछ बाइट्स लेना चाहते हैं असली किसानों की, जिसके लिए वो हमारे गांव में आए हैं। तो अब उनके साथ चलकर देखते हैं कि आखिर हरियाणा के किसानों का इस किसान आंदोलन पर क्या विचार है। जो प्रपोजल किसानों को दिया था, किसानों ने वो ठुकरा दिया है। पिछली बार किसान आंदोलन की बात करें तो हरियाणा काफी एक्टिव दिखाई दिया था, लेकिन इस बार हरियाणा का क्या मूड है, यही जानने के लिए हम हरियाणा के किसानों के बीच पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? सरवण कुमार। सरवण कुमार जी, किस चीज़ की करते हैं? गेहूं दान। तो मुझे एक बार बताइए, आंदोलन चल रहा दोबारा से, तो इस बार क्या मूड है आप लोगों का? कुछ नहीं, ये खालिस्तानी है, कोई वो नहीं, केजरीवाल के बताए हुए हैं, ये सरकार के खिलाफ हैं। अकाली दल के जो साथ इसका गठबंधन हो रहा था बीजेपी सरकार का, इसने रोक दिया, क्योंकि इसी मुद्दे पर उनका गठबंधन टूट गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कहीं देश में है नहीं। अच्छा। इसने सारा कुछ खत्म कर दिया, इसने बीजेपी ने विपक्ष तो है ही नहीं। अब ये पंजाब में और होना था, पंजाब में केजरीवाल के बकाए हुए खालिस्तानी आ रहे हैं, इनको किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार किसानों के लिए बिल्कुल ठीक काम कर रही है। खालिस्तानी बता रहे हो, कह रहे कि भाई हम आतंकवादी नहीं है, हम किसान है। अगर वह किसान है तो हरियाणा वाला के लिए पानी लेकर आए हुए, अगर वह है किसान है तो हमारे भाई है, वह तो हमारे लिए वो पानी लेकर आए यहाँ पे। तो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, आपको लगता सही मांग कर रहे हो? अरे एमएसपी तो हमारे को मिल रही है। एमएसपी का जो मुद्दा था, ये पंजाब हरियाणा में तो है ही नहीं। पंजाब हरियाणा में किसकी फसल बकाया रहती है एमएसपी के बगैर? जो हमारे यहाँ मुद्दा है ही नहीं, ये पंजाब हरियाणा में तो कर्जा माफी की बात हो रही है, कह रहे जब किसान 60 साल का हो जाए तो 10,000 से पेंशन दो भाई। अरे वो तो 20 मांगने लग जाए, वो तो 1,00,000 मांगने से मिलता है क्या? कर्जा माफी क्या कमाते नहीं जी, सब भाइयों को राम राम। कर्जा माफी वो कमाते नहीं, जो आप कह रहे हो पेंशन, क्या रिक्शा चलाने वाला आदमी काम नहीं करता, उसको पेंशन नहीं चाहिए? जो ये आज एमएसपी कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, अगर इन्होंने 30 रुपए मांग लिया, वो आप जनता कहाँ जाएंगी? इनके बच्चे नहीं खाएंगे वो महंगाई से? बिना जमीन वाले कहाँ जाएंगे? जो जमींदार बड़ा फार्मर है, जो 67,000 रुपए अपना फसल का किले का वादा निचले किसानों से ले रहा है, वो क्यों नहीं एमएसपी देता इनको? वो दे दो बीमा। ये किसान है क्या? ये किसान थोड़ा ना है, जो मतलब ट्रॉली वगैरह या अपने ट्रक खड़े करके जो एसी लगा के बैठते हैं। पिछली बार हमने देखा था, हमारी माँ बाप बीमार थे, हम दिल्ली जाने नहीं दिए इन्होंने, मतलब इतना आतंकवाद मचा रखा इन्होंने देश के अंदर। मतलब ये किसान है क्या? किसान हम भी, हमारी भी जमीनें हैं, ये पीछे सारी किसान है। तो किसान ऐसा नहीं करता कभी भी कि भाई रोड को रोक दो और कुछ, इनका कोई मुद्दा है तो मुद्दा अपना बातचीत करके निपटाओ, लेकिन ये थोड़ा ना आम जनता को परेशान करेंगे। ये सारी मांगे माननी पड़ेगी, जो मांग हमने की, कह रहे हैं 700 रुपए तो मनरेगा में दिया जाए 200 दिन तक, किसानों की कर्जा माफी हो, एमएसपी मिले, और मतलब जो है कि 10,000 रुपए पेंशन मिले। ऐसा भाई साहब, अब मैं कहता हूँ लाल किला मेरे नाम कर, सरकार कर देगी क्या? ये कोई मुद्दे है क्या इनके? ये कह रहे हैं हमारी सारी मांगे करो, मैं कहता हूँ, खुद कहता हूँ लाल किला मेरे नाम कर दो, कर देगा कोई? और भाई नहीं है क्या? सब करके कार्य करके खाओ, जिसके पास 10-10 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, सारा सामान है, कर रहे हैं, हम भी मजदूर हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम तो नहीं बैठते रोड पे, हम किसान, हमारे को टाइम ही नहीं है। आपकी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हो। ना ना, हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे। पिछली बार हरियाणा काफी एक्टिव रहा भाई साहब। ऐसा है, वो इन्होंने ना ब्रेन वॉश कर दिया था, हमें नहीं पता था कि ये दिल्ली में जाके खालिस्तान मांगेंगे। जो खालिस्तान मांगेगा उसको कब्रिस्तान देंगे, खालिस्तान या पाकिस्तान की हिंदुस्तान में रह के जो डिमांड करेगा उसको कब्रिस्तान देंगे। लेना है तो ले, मेरे से लो, मैं देता हूँ उनको खालिस्तान, ना कब्रिस्तान दिखा देता हूँ। कह रहे कि सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, कहा था किसानों की आमदनी डबल कर देंगे मोदी जी, तो कहा आमदनी डबल हुई? कौन कह रहा है आमदनी डबल नहीं हुई? बताओ कौन कह रहा है? 28 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, पहले 22 रुपए 20 रुपए 22 रुपए था, 28 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, क्यों नहीं हुई डबल? आंदोलन क्यों रहा है? इतना बढ़िया है आंदोलन, कुछ नहीं है, खालिस्तान की डिमांड है, सरकार को गिराना चाह रहे हैं मोदी। मतलब ये सन्यासी आदमी आया, इतने दिनों के बाद सनातन धर्म का आदमी आया हमारे यहाँ पे, इसको भगाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हमारी सरकार आएगी, गारंटी भी देंगे। राहुल गांधी को बेचारे को यू ही पता नहीं, वो कह क्या रहे हैं, वो गाड़ी के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, भारत के ऊपर खड़ा है, उसको पता है, वो तो भारत की बेइज्जती कर रहा है उल्टा, उसको तो इटली भेज देना चाहिए। किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मजदूर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। के बारे में बता दूं, देखो मैं किसान का बेटा हूँ, हमने खेती करते हैं। अगर किसान का बेड़ा गर्क किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कैसे किया? 2004 में 500-600 का भाव था गेहूँ का, और सरकारी नौकरी वाला की तनख्वाह थी 7,000 रुपये, वो तो सरकारी वेतन बढ़ा गए 70-70 हज़ार रुपये ले गए। किसान का भाव ये 10 साल में 1400 रुपये लेकर आए, मतलब उससे किसान बर्बाद हुआ, क्योंकि सब चीजों की महंगाई बढ़ गई, किसान पीछे चला गया। अगर किसान को बर्बाद करने वाली है तो कांग्रेस है, इन्हें इतनी तनख्वाह नहीं बढ़ानी थी, महंगाई नहीं बढ़ती, महंगाई नहीं बढ़ती तो किसान नहीं मरता। आज किसान को जो किसान पीछे गया है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कारण गया है। मोदी ने क्या किया? मोदी ने किसान के लिए,
सम्मान निधि लागू करी, एमएसपी धीरे धीरे बढ़ाया और महंगाई को रोका, जो बराबर में महंगाई बढ़ती जा रही थी उसको रोका, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरसों का भाव बढ़ाया, इसका बाजरे का भाव हरियाणा में 23 रुपए एमएसपी मिलती है, पंजाब में 23 रुपए एमएसपी मिलती है, कोई भी रिकॉर्ड निकालो हर साल 200 रुपए हर फसल पे बचते हैं, फिर बताओ कहाँ का रह गया किसान। पंजाब में केवल 2 फसलों पे पंजाब का किसान, उसमें उनको भड़काया जा रहा है, एजारी तत्व जो है उनको उकसा रहे हैं, अपनी जनरेशन को खराब कर रहे हैं, युवा को नशे की ड्रग्स में भेजा जा रहा है पंजाब को, कौन सा ही देसी पंजाब का, आप ही रो रहे हैं कि 80% पंजाब नशे का है, नशे का तो उसको रोक लो, एच वाई ले आओ, उसकी कोई मांग हमारा जमींदार भाई नहीं, हमारा जो भारत है हमारा हरियाणा ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये क्या कहता है कि चलो पंजाब के भाई आए हम इनके साथ चले, अरे ऐसा कोई भी यहाँ का किसान नहीं है, इनको तो उकसाया जा रहा है, नेता उकसा रहे, उनके लोग उकसा रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा, एक बार मूर्ख बन चुके हैं हम पिछली बार, अब की बार हम मूर्ख नहीं बनेंगे, बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का, ठीक है इब तो हम खाल तारेंगे, आड़े बैठ के देखो धरने पे, हम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के लगाए हैं, इनकी माना दूध अब इनकन पिया ना इन, तो इनकी खाल नहीं इसी उधेड़ेंगे, हरियाणा साथ नहीं है क्या, ना 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 वह कुछ है ना मुट्ठी भरे जो इनके दलाल है ना वे साथ है, वे है ना, हर समाज का आदमी खड़ा है जो देश के साथ है वो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, जो अपना सच्चा प्रेम करता है देश से वो देश का हिस्सा है, वो देगा देश का साथ। पिछली बार आंदोलन हुआ क्या नुकसान हुआ भाई साहब, भाई साहब मैं बताता हूँ मेरी बात, नुकसान क्या हुआ, पिछली बार हरियाणा ने साथ देख के प्राप्त किया, पिछली बार इनका साथ देकर हमारा झंडा तरवाया उड़े थे, उस तबड़ी बदनामी कुछ नहीं है, पिछली बार साथ देकर हमारे प्रधानमंत्री जान पंजाब में खतरे में डलवाई हमने, पिछली बार साथ देगा हमने बात अपने हिंदू भाई के खिलाफ ने 4 लाख तक का किस्ते का ऐलान किया, अब हमारा अपने भाई के खिलाफ ने इकट्ठे हुए जो हमारे 15 रुपया इकट्ठा कर ना, गामा घूमे उन गरीब आदमी रुपया लिया ने, जगह जमीन नहीं होती और नू धमका रुपया लिया डोले पेंसिल देंगे, और उस रुपये का यूज कड़ा होया मेवा हमारे खिलाफ हिंदू के खिलाफ प्रधानमंत्री के खिलाफ उड़े चार खतरे में डाली हमारा झंडा तार के दीप के ने साथ दे साथ दे और लोग समझदार भी है, अरीब के रहा है लाल किले का इंडिया गेट का सड़क का दहा दियो बैठे उल्टे पंजाब का जाकर ऐसा है, दिल्ली राजधानी देश की सब जाओ उनका भी अधिकार हमारा भी अधिकार, लेकिन तरीका होता जाने का, नू थोड़ा होता है आदमी चिट्टा हमारा ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया, ट्रैक्टर मुद्दा मार दिया, मर गया नाम प्रशासन का, पुलिस वाले के ऊपर बैरिकेड का तरीका होता है, अन्ना जाने का आंदोलन सबसे सफल आंदोलन था, सब कुछ स्कैन होगा जागरता अंदर आराम से आंदोलन चले, आंदोलन सफल रहा, इनका स्कैन करवा दो, दारू भी बोतल रोक दो, ड्रग्स रोक दो, आंदोलन में 4 दिन में बैठा था। भाई साहब एक बात तो बताओ, कह रहे कि ये कैसा राम राज्य है कि भाई कील बिछा दी बोले के बोछार हो रहे, एक तरफ राम राज की बात करे दूसरी तरफ अंधा तो बेला टिकर जा रही। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब भी अगर देश महाराज तक फैलाने की कोशिश करेगा ना तो सरकार को अपनी कुछ कुछ घंटे बनाने पड़ते हैं और इनके लिए रास्ते थोड़ा खोल देंगे, अगर ये रोड जाम कर देंगे देश की अर्थव्यवस्था ठप कर देंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे हजारों कंपनियां प्लान करेगी, हजारों कंपनियां और रोजगार इसको ब्लैक स्पॉट बना दिए, नराई का ब्लैक स्पॉट बना दिया, तो इतनी कंपनियां गई जो हजारों ने पीछे कराया ना, उसके लिए तुम्हारा रेडी नहीं है। भाई साहब भाई साहब ऐसा देखो ना, अभी कहने को कांग्रेस ने भी अपना नाम इंडिया रख लिया, उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया तो इंडिया रखने से जीत थोड़ा जाएंगे, अगर आगे किसान लगा दिया ना भाई साहब, अन्नदाता तो हम भी है, सारे किसान ही है, तो जितने भी है सारे किसान ही है, हम अन्नदाता भी है, किसान भी दाता ना भाई साहब, दाता मेरी बात सुनो, दाता तो ट्रेन चलाते दो ट्रक चलाते ना, अभी जीवन दाता वो थम दो जीवन थम जाएगा, दाता तो डॉक्टर भी जीवन दाता है, जो मजदूर हमारा घर बना हुआ ना वो भी हमारा जीवन दाता, घर के बिना कैसे, कंपनी जो कपड़ा बना रही कपड़े बना वो भी दाता है, दाता कौन दाता नहीं है भाई साहब, झारखंड बिहार कोला रोक देगा और उसके बाद देश में चला के दाता है हमारे में, अगर अगर पंजाब हरियाणा दे ना तो इस तक काम नहीं चलेगा, देश का अगर कोयला रुक गया था वहाँ पे दाता तो इस देश के अंदर हर कोई है, लेकिन टोटल इनका मुद्दा क्या है, एक खालिस्तानी की विचारधारा को आगे लेके जाना और सत्ता परिवर्तन करना, क्योंकि कांग्रेस को भी विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है, 70 साल तक जिन्होंने राज कर लिया ना इन्हें विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है, जो 10 साल है ना 10 साल कट नहीं रहे इन पे, ना उनके पास कोई नेता है, ना उनके पास आगे कोई विजन है, ना उनके पास संगठन है, बस खाली के ब्लेम डाल देना, जो जो 100 करोड़ हिंदू हो गए करोड़ में तुलना करेंगे ना, तो इस हिसाब से ईवीएम ना एक हीरो होगी, जो हमारे मांग कर रहे हैं भाई साहब, देखो ना किसानों की जो मांग होती है ना, पहले भी ना मांग करी थी, अब ना जो किसानों की मांग अभी अभी बात हुई थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने उनको एक अच्छा प्रपोजल भी दिया था, लेकिन इन्होंने प्रपोजल एक बार इन्होंने खुद मीटिंग करी है प्रपोजल के बाद में, ठीक है हमारी
संभाल वो बात तो ये सब ठीक चल रहा है। दोबारा आगे प्रेस के सामने कि बोले हमने ठुकरा दी, मांग क्यों ठुकरे बता क्या बात है, इनको बताया कि 15 दिन में चार्जशीट लग जाएगी। अब तुम घर में जाके बैठ गए तो तुमने बुनाया क्या है, कैसे न कैसे तरीके के मोदी के खिलाफ माहौल बनाना है। ये 15 दिन तक देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वोट काटना मुख्य उद्देश्य, किसान की भलाई उद्देश्य नहीं है। वरना एक रिपोर्ट आई थी पिछले न्यूज को उठा के देख लो, पंजाब में सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर पकड़े थे, सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर पंजाब के अंदर पकड़े गए हैं। और जो किसान मजदूर की बात करें ना, कौन से मजदूर का पेंशन दिला दी, मजदूरा देने लुका है, पिछले कितनी वीडियो हजारों वीडियो पड़ी है, अपने डोले बच्चा आगे नहीं है, डोले पति ने उल्टी कठी करवाई है, अगर हमारे डोले पेंशन चढ़ जाओ कोई मजदूरी भलाई की बात नहीं है और कोई किसान की भलाई की बात नहीं है। किसान विरोधी सरकार है, 750 किसान पहले आंदोलन में मर गए, दो की मौत अब की बार भी हो भाई साहब, मेरे काम में नहीं, मेरे काम में भी पाचे दो चार शहीद हो लिए, इनको हार्ट अटैक होगा मर गया, कोई दारू पी का मर गया, तो शहीद कितने कर दो पुलिस, आप कहीं पर 2 लाख आदमी इकट्ठा कर दो, रोज के 4 आदमी नेचुरल डेथ से मरेंगे, रोज के 4 आदमी थोड़ा, रोज के 4 आदमी शहीद होने लग रहे हैं, एक साल में दोबारा शहीद हो जाएंगे भाई साहब। गोली चला के मारा पुलिस ने, को लाठी डंडे तो मारा है, किस तरीके से पुलिस ने मारा, हम बैठे अपने कैंप लगा रहे, किसी का अटैक हो, किसी कुछ हो, दारू पी के मर रहा है, 20 तरीके हर गांव में मौत होती है, 1 लाख की आबादी में रोज 2 मौत होती है, 3 मौत होती है, एक साल बैठ के देख लो, सबसे शहीद हो जाएंगे, 1000 शहीद हो जाएंगे। सरकार एमएसपी क्यों नहीं देती, क्या नुकसान होगा भाई साहब, एमएसपी ना एमएसपी लगभग दे रखे फसलों के ऊपर, लेकिन जो सरकार ने इनको बताया ना, सब जानते हैं कोई पागल नहीं है, एमएसपी जिन फसलों में जरूरत थी गवर्नमेंट ने दे दिया, और जो पॉसिबिलिटीज नहीं है, पूरे देश के बारे में सोचना पड़ता, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना पड़ता, सब वर्गों के बारे में सोचना पड़ता है, किसान का सब चाहते हैं, मजदूर का भी चाहो, सबका चाहो, लेकिन सब वर्गों का साथ में लेकर चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मतलब जो भी मांगे रख दी, कितना भी दिमाग रख देंगे, गवर्नमेंट ऐसे नहीं मांगती, मांगूंगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है मोदी तानाशाह है, इतना डर गया किसानों को दिल्ली नहीं आने, ऐसा जी तानाशाह होता ना, तानाशाह होता तो चुटाला राज्य में जो तानाशाही थी ना, 50 गोली और 100 जवान लठा वाले, किसी कितने बड़े आंदोलन पड़वा लो आप, 50 तो गोली और 100 जवान लठा वाले, कितने बड़े आंदोलन पड़वा लो, मोदी तानाशाह होता ना तो 1 साल नहीं बैठ पाते, और मोदी तानाशाह होता दोबारा आंदोलन नहीं खड़े कर पाते हैं, मोदी तानाशाह नहीं है, अगर मोदी तानाशाह होता तो प्रधानमंत्री को पंजाब में रोक देते फ्लाईओवर के ऊपर, क्या उसके पास पावर नहीं है, तो ऐसा जी तानाशाह तो जो थे उनका अंत हो चुका है, और ये सिर्फ लड़ाई ही तानाशाही के लिए इसलिए हो रही है कि उस परिवार को सत्ता देनी है जो परिवार खुद खाता है, अपने लोगों को मड़ाई खिलाता है, कोई बीजेपी का जो सपोर्टर होगा ना हरियाणा में, किसका बालक सरकारी नौकरी लगा, कांग्रेस का बालक मिला, चुटाला का बालक मिलेगा, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का, सबके बालक लगे, बीजेपी के राज में क्यों लगे हैं, आपके लगे ना भाई साहब, मैंने कहा आप गांव गांव जाओ, लेकिन कानून है बीजेपी बीजेपी के लगे, हर पार्टी के लगे, क्योंकि जो बालक पढ़ेगा, जो बालक लिखेगा ना, उसका बालक लगेगा, नू कहना लगा भाई, जिसने उनके तलवे चाटे हैं और जिसने जाकर उनके दरबार में जाकर लाशी दूध शीत पात साल बढ़ाया, उनके बालक लुवाए हैं, बालक उनके लगे हैं, जो बालक मेहनत करा है, चाहे गरीब का है, चाहे अमीर का है, बालक को लगेगा, कानून होगा भाई। भाई साहब पता क्या बात है, दर्द इस बात का हो रहा है, जो ठेकेदार थे ना, मलाई खा दे बागड़ बिल्ले हो रहे, जो मलाई को नहीं मिलती, मलाई नहीं मिल रही है, आधा मलाई मिले, जो मलाई बंद होगी, और कुछ ना मलाई मिलने का इंतजार था, वो आदमी 7-5 कर रहे हैं, वरना देश विरोधी नारे लगाने का कौन सा मतलब है, किसान विरोधी है, क्यों किसान विरोधी है, जो खालिस्तान का नारा लाओगा हम उसने पिटेंगे, जो प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोलेगा हम उसने पकड़ेंगे, हम हमारा प्रधानमंत्री हो गया, हमारा देश का झंडा हो गया, ये चीज हमारी इसमत है, हम इन नून को लाल किले के ऊपर कोई चढ़ जाएगा, अरे झंडा फहराना, सारे किसान हमारे साथ है, पूरे देश का भी लोग आएंगे, ऐसा है, ये देशद्रोही नारे लगा रहे हैं, इनके धर्म के बारे में एक आदमी ने पिछली बार पंजाब के आदमी ने कुछ बोल दिया था नरेला कुंडली बॉर्डर पे, हाँ उसको ऐसे मतलब अधमरा करके लटका, खून बिखर रहा था, इनके अंदर थोड़ी भी दया भाव नहीं है, जब ये अपने धर्म के बारे में थोड़ा सा नहीं सुन सकते तो हम देश के बारे में कैसे सुन ले, देशद्रोही नारे लगा रहे हैं, लाल किले पे जाके कह रहे हैं हमारे को हिंदुस्तानी खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए, एक बार पाकिस्तान में चला जाना, एक बार वहां से ले लेना खालिस्तान को, या पंजाब पंजाब में जो ड्रग्स का जो अलग एरिया सा बना रखे वहां खालिस्तान की डिमांड कर लेना, तो यहाँ हरियाणा में या हमारे क्यों परेशान कर रहे हैं, ये किसान बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ हम तो इतने साथ है भाई साहब, जो रोड पे कील गाड़ी है ना, इनके चुतड़ा पे कील गाड़नी चाहिए वो, हम इनके इतने साथ है, जो सरकार ने रोड पे कील गाड़ी है, यदि हम इनका साथ देंगे तो चुतड़ा पे कील गाड़ सकते हैं इनके, क्यों इन्होंने देश का भट्ठा कर दिया, एक अकेला पंजाब ऐसा है जो पूरे देश के अंदर मतलब ये मतलब आतंकवाद का माहौल खड़ा कर रखा है इन्होंने, इनको हम प्यार से कह रहे हैं या तो चले जाएं, और यदि अब की बार यहाँ आ गए हरियाणा के अंदर, खासकर सोनीपत के अंदर, ये पीटे वगैरह जाएंगे नहीं, अच्छा। बस हाँ जी, क्योंकि हमारे को पता है हमारी शादी ब्याह उस साइड जो भी बारात वगैरह जाते हैं कितने परेशान होते हैं, कितने क्या हो रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, रोजगार खत्म कर दिए इन्होंने, पिछली बार भी ये हुआ था, जो कुंडली बॉर्डर पे जितने बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया राय लगता है, बड़ी लगता है, सब खत्म हो गया, सब हम पहले ग्रसित है इस चीज से, पहले जाट आरक्षण हुआ था, जब हमारे ऊपर कलंक लग गया हरियाणा के ऊपर, कितना गलत काम हुआ था, अब ये किसान आंदोलन लेके बैठ गए, हम तो भाई साहब मुक्त भोगी हैं, या तो मरेंगे या मारेंगे, तो क्या लग रहा है बार बार ये किसान आंदोलन, आपको लग रहा है कि इस तरीके बार बार आओ दिल्ली के लोग, इनके जब तक लाठी लाकेंगे ना ये समरेंगे नहीं, इनके अकल ठिकाने नहीं आवे, ये मारा इस्तेमाल मारा जाट भाई, कह दे ना पोड़ा कह दे जाट कह दे, एक का बात है
हम आगे बहकावे में निकले ठीक है, और इबकी बार कोने यहाँ बहकाए इबकी बार सीधे लट मारेंगे हम उतरेंगे फिर सड़क पे देखो हमारे वोटर ने क्यूँकर सील करके दिखाऊंगे ये हम संभारेंगे खाल तारेंगे क्या दिखाई दे रही है आंदोलन की एक तरफ चुनाव पे क्या लग रहा पूरा का पूरा एजेंडा चुनाव को लेकर है चुनावी मुद्दा है रुपया खाने हिंद है फंडिंग कुछ हो रहा है टोटली मतलब देश विरोधी गतिविधियां और अब की बार हम फोन नहीं दबाए समझ में आगे हमारे सारे भाइयों ने पता लग गया पिछली बार हमारा मूर्ख बन गया इस बार हमारा कोई भाई इनका सहयोग नहीं करेगा क्या भी सहयोग करोगे नहीं करोगे जो पिछले आंदोलन से जो इंडस्ट्रीज एरिए को जितना भी नुकसान हुआ है वो आम वर्ग के लोगों ने भरना पड़ा है अब जो हो रहा है 600 करोड़ पर डे का नुकसान गवर्नमेंट बता रही है किसान तो कर देता नहीं उनको सब चीज पे सब्सिडी है पंजाब का किसान सब्सिडी नहीं देगा कोई उनको टैक्स नहीं देना ये आम आदमी के ऊपर से टैक्स भुगता जाएगा वो कहाँ जाएगा वो किसानों की अच्छी बात नहीं कर रहे किसान पहले किसान था मैं एक फार्मर भी हूँ मैं एक नौकरी भी करता हूँ एक आड़ती भी हूँ जब ये आड़ती इनका माल बेच रहा है तो कम से कम 40% अन्नदाता भी तो आड़ती है उनका दुख देख लो क्या ये फैक्ट्री वाले पैसे लगा के काम नहीं कर रहे ये अन्नदाता नहीं है इनके कारण अगर हमारे बच्चों का भविष्य खत्म होने लग रहा है कि आज मैं नहीं करूँगा तो ये करेगा भाई रोड पे जा रहे हैं कर लो अन्ना हजारे की तरह शांति प्रिय करो उसमें एक बम लिकड़ा जिसका नाम था केजरीवाल इनमें से भी कोई ऐसा बम लिकड़ेगा जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं इनको भोले भाले किसानों को जो राजनीति तत्व से जुड़े हैं ना वो उकसा रहे हैं असलियत किसान कभी भी ऐसे आपत्तिजनक बात नहीं बोलेगा हम हाथ काट देंगे झंडा फहरा देंगे लाल किले पे तो झंडा फहरा क्या कह रहे थे आपकी मोदी सरकार तानाशाह है अगर तानाशाह होती तो वहीं पर गोली मार दी जाती आपने देखा नहीं ट्रैक्टर तो पुलिस वालों को कैसे दुड़ा दुड़ाया जा रहा था आज कह रहे हो किले अगर एक गांव में शेर आ जाता है ना तो लोग नाकाबंदी कर देते हैं कि हमारे बच्चों को ना उठा ले जाए अगर ये सरकार ये सोच रही है कि भाई इसमें कोई आपत्तिजनक तत्व तो ना जुड़ जाए जो इन जमी भोले भाले जमींदारों को भी नुकसान पहुँचा जाए उनके लिए रोक दिया तो ये अहंकारी सरकार होगी रोड पर किले बिछा दी जब ये तोड़ रहे हैं शांतिपूर्वक बैठ जाओ कोई भी पुलिस वाले को ये पूछा जा रहा है रोटी खाएगा शादी तू रोटी खाता है आजा लंगर है अरे जब तुम अन्नदाता कह रहे हो बाबा जी का लंगर चला रहे हो फिर वहाँ भी तो है पंजाब सरकार क्यों नहीं रोक रही पंजाब सरकार को अपना सब प्यारा नहीं जब दिल्ली को केजरीवाल तो कह रहे मैं दिल्ली में सपोर्ट करूंगा ये आप लोग क्यों पंजाब में गुरदास मान उनकी बात सरकार नहीं है भगवत मान जी की है जो कह रहे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी नहीं तो एमएसपी पे खरीदेंगे क्यों नहीं जा रहा केजरीवाल हर आदमी को नपुंसक बनाया जा रहा है इनको बेरोजगारी की दलदल में दस बेचा जा रहा है आपको फ्री दे देंगे भाड़ा फ्री दे देंगे अन्न फ्री दे देंगे अगर गवर्नमेंट मनरेगा बंद कर जाए तो हर इंसान को काम करने के लिए काम मिलेगा अब मुझे ये बताइए मैं क्यों 500 रुपए की दाढ़ी करूंगा जब मेरे को 2 रुपए किलो गेहूं मिल रही है जब मेरी आमदनी मान लो चल रही है घर बैठे बैठे मुझे क्यों मजदूरी करनी है एक आज चिनाई का मजदूर जा रहा है 600 रुपए मजदूरी ले रहा है वो ये सोच के ले रहा है 300 रुपए मुझे ठेके पे देना है क्योंकि मजदूर मेरे को आमदन तो फ्री मिल रहा है तेल फ्री मिल रहा है दाल फ्री ये सुविधा छोड़ दो तो मुझे एक बाबू कितनी मांग से आप लोग सहमत है जैसे 10,000 पेंशन की बात हो रही है कर्जा माफी की बात हो रही है फिर एमएसपी की बात हो रही है बिजली बिल की बात हो रही है और जो 750 किसान शहीद हुए उनके मुआवजे की सरकारी नौकरी की बात हो रही है देखो जी जो 750 किसान है वो हमारे चाचा भाऊ अगर आज मैं आंदोलन कर मैं अपने घर से किसी वृद्ध आदमी को उठा के अपने साथ लेके जाऊंगा अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसमें गवर्नमेंट जिम्मेवार है जिम्मेवार तो मैं क्योंकि मैंने उकसाया ना उनको अब ये जो पब्लिक को कसरी है वो जो बयान दे रहे हैं गलत उनको पकड़ो भोली भाली जनता तो क्यों उकसा रहे हो इसमें चलो आप ये कह रहे हो 20 लाख किसान आ रहे हैं कह रहे हो आधार कार्ड से देख लो अगर इसमें 5 लाख भी किसान हो या 2,000 किसान भी होता है बाहरी तत्व जैसे मैं खाली बैठा वो खाली बैठा चलो जी भाई साहब हरियाणा वाले बड़े बैठे हैं हरियाणा वाले इसकी बार इनकी बात मान वाले नहीं है और वह कति लट ले गए हर तरीके से इनकी कार्रवाई बिठाऊंगे हमारे के लिए कुछ मरना पड़ेगा मर जाएंगे पर अपने देश को समर्थन नहीं दोगे बिल्कुल भी नहीं दे बिल्कुल भी नहीं दे काटेंगे कति संभारेंगे अगर संयुक्त किसान मोर्चा भी समर्थन में आता है कोई आ जाओ
देश के खिलाफ जो साल लगा कर तीन बर्दाश्त करें, हमने भी इतनी अनपढ़ थोड़े हैं, हमें हमारी मोटी मारे भी भी समझ है कौन सही है कौन गलत। पिछली बार क्यों गए थे जब पिछली बार बस बैग गए सिर्फ इन चीजों पे वो अपने जैसा सोचा सबने, ये था मैं चल भाई हो सकता है ये हमारे भाई है ठीक होगा, लेकिन हम तो जब लूट पिट लिया ना तब समझ माई मारे ठोकर खा गए समझ आ है ठोकर लाग नहीं मारे। हरियाणा के किसानों को अब तो भाई साहब हरियाणा के किसानों को ये समझ में आया है जो ये पंजाब सरकार है ये हमारे को यूजेबल कर रही है, हरियाणा आगे ले लो क्यों ये भावनाओं से खिला हुआ हरियाणा है, हरियाली का हरियाणा है, लट खाए हरियाणा वाह वाह करे पंजाब। आप पिछली बार मैंने एक इंटरव्यू सुना है दैया खापरे का, वो ट्रक यूनियन के प्रधान है, उन्होंने स्पीच दी कि पिछली बार जो ये आंदोलन चला हमारे बच्चे नशे के शिकार हो गए, भुक्की के शिकार हो गए, चिट्टे के शिकार हो गए, हमने तो कभी यहाँ सुना ही नहीं चिट्टा क्या होता है, हम अपनी नशा अपने भाइयों को अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ी पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव गांव जाएंगे व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे खुद रोड घेरेंगे अच्छा। पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे अच्छा, पूरा मुकाबला करेंगे क्यों नहीं हाँ। क्योंकि इसका अर्थ क्या है हाँ। मेरा एक लड़का है वो माए में चला गया गोली लगी कौन देगा, ये तो कह दो दी शहीद गदर, अरे उकसाया किसको उसने, मेरे बच्चे को उकसाया किसने, अगर आज वो इन पंजाब सरदारों के कारण या जो भी नशा मुक्ति है इनके कारण अगर उसको लत पड़गी मैं कहां से लेके आऊंगा, कहां से लेके आऊंगा, एक रिक्शा चलाने वाले से पूछो ना वो जिंदगी कैसे गुजर कर रहा है, 10,000 पेंशन आदमी बुढ़े जो माता बाकी बिरादरी नहीं है, ये बुढ़िया नहीं है, ये बुढ़े नहीं है जिनको 2700 रुपये पेंशन मिल रही है, ये खेत में किसान है उसको 10,000 बिजली माफ कर हरियाणा के गांव की बात कर रहे क्या देंगे, आप भी किसान नहीं है नकली किसान बता दिया जाएगा आपको भी बता दिया जाए, ये तो जो उठेगा उसको नकली बता दिया, ये कह देंगे आप तो ये तो मोदी की गोदी में बैठा था भाषण दे गया, ये नहीं है, हर मुद्दे को उससे मत जोड़ो, राजनीति से मत जोड़ो, किसी के दुख दर्द समझो, आप कर्जा माफी कर रहे हो करो, पर ये क्या गारंटी है कि ये जो 14 लाख या 20 लाख करोड़ है ये आम जनता पे नहीं पड़ेगा, दिखवा दो आम जनता ना ही तो टैक्स देगी ना बड़े हुए रेटों से समर्थन करेगी, ले लो MSP ले लो ना, फिर ये कह रहे हैं MSP का न्यूनतम मूल्य करो, जैसे 3,000 रुपये कर दिया उससे नीचे कोई भी लेता पाया उसको 7 साल की सजा, उसने क्या गुनाह कर दिया, अब मैं 500 रुपये पर डे कमाता हूँ मैं गेहूँ हाथ पांव जोड़ू, जब इसने मेरे को बेच दिया और मैंने ले लिया फिर गवर्नमेंट 7 साल की सजा कैसे सुनाऊँ, ये तो एक जलर वाली बात है, ना तो हम खाएंगे ना खाने देंगे, इनको उकसाया जा रहा है एक सिर्फ राजनीतिक तत्वों के हिसाब से, जैसे भी कोई भी सरकार अगर काम करेगी उसको भ्रष्ट कर दिया जाए, जो ऑनलाइन हो गई है रजिस्ट्री वाले को नहीं मिलता, चौकीदार को नहीं मिलता, किसी नो बताओ कि भी किसको, मेरे भांजे 3 है, मेरे भांजे की वाइफ पटवारी है बिना पैसे, एयरफोर्स में मेरा भांजा है बिना पैसे लगा, अभी लेबर कोर्ट में लगा बिना पैसे लगा, कहाँ है असली किसान हो या नकली हो भाई, हमारे खेत हैं ये हाँ। खेत हमारे खेत हैं अच्छा, असली किसान है और हमारे पंजाब वाले भाई काम का नाम बताओ अपना, एस वाई एल का पानी लेकर आओ, जो काम का नाम बताओ, जो बुरी काम है हमारे गांव में खिड़का का चेक कर लो इंक्वायरी कर लो, असली किसान क्या बोला, जो किसानों के साथ है वही असली किसान है जो विरोध कर रहा हो, कुछ नहीं वो असली किसान है ना, वो एस वाई एल का पानी दबा दे हमारे, हमारे जो खेती खाली पड़ी है उसके लिए पानी दे, उन्हें पहले कहा था आगे ये मुद्दा जब किसान आंदोलन होया और भाई अभी तो चल रहा है इस पानी के बारे में बाद हम बात करेंगे, ये तो वापस वो आंदोलन लेकर आगे पानी खा दिया इन्हें, पहले हमारे सवाई वाले के बारे में पानी के बारे में बात करें, एक छोटी बात कहूँगा भाई साहब, पुराने बड़े को देनु करते मेहनत कर लिया कदम भूखा नहीं मर सकता, इन्हें मेहनत छोड़ दी भाई साहब, खेत में भी जाना हो तो गाड़ी लेके जाओ है, तड़की कोठड़े पे केफा होगा, डिस्पोजल कप प्लेट दारू की बोतल ठीक है, बाध्य पर जमीन दे दी ठीक है, वो कमाई थोड़ा बढ़ गई, महंगे गाड़ी महंगे कपड़े टोल टैक्स पे फिर बदमाशी दिखानी, अगर टोल टैक्स नहीं दिया भाई सारे के गुंडागर्दी चलने देते, उसको मतलब इंसानियत भाई कह ना कहावत है, अगर देह समझते हैं सब कुछ हम भी उस दे हमारा भी कुछ फर्ज पड़ा है देश के प्रति, अब खाली हम खसोटने के लूट अपने बालकर क्या शिक्षा दे के जाएंगे, अगर भाई खाली अंडो ठगी की खाओ फ्री का खाओ और नशे में लिप्त हो जाओ, काम नहीं दिया सलाह और ना ही आगे या कार्रवाई होने बतेरे लुट लिया, हरियाणा इतना बेकूफ भी नहीं है कि सड़का पर हम भी उतरेंगे, और आ जाओ भाई मैदान में क्या कहूँगा ताऊ जी, आंदोलन चल रहा है ये जी, राजनीति है आंदोलन है किसान आंदोलन, राजनीति कहते हो तो कह रहे कि मांग जाए, वो भूखे बैठे हैं जी काफी दिन से, भूखे बैठे हैं भूखे ताऊ, बेरोजगारी इन्होंने फैलाई,
किसान के पास पैसा नहीं, 20 लाख रुपए जो 30 कहाँ तक देगा, आप ये बताइए। वो बच्चे तो ऐसे बर्बाद होंगे। फिर रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इन्होंने क्यों नहीं किया? 75 साल तो गरीबी नाराज किया, उन्होंने क्या दिया है हरियाणा लोगों को? क्या दिया हरियाणा के? तो वही मूर्ख पड़े जाते ना, किसान मूर्ख खेत में पड़ा रहा है। वो तो बेचारे जाते भी खेत से फुर्सत नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बार मौका तो गारंटी दे रहे सब चीज की, उसको तो ये भी नहीं पता ये चीज लीटर में क्या है, उसको दूसरे उकसा रहे हैं। अच्छा हाँ, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, आप कह रहे कुछ नहीं लड़ रहे हैं, कहानी क्या है? इनका अपने आप को राज से पीछे हो रहे हैं। ये सरकार बढ़िया काम कर रही है कि ये हमारे इसको पीछे पीछे चुका, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। किस तरह से मोदी एक नंबर का कर रहे हैं, मजदूर किसान हर एक का कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम हुआ? बढ़िया काम सारे हो रहे हैं जी। गरीब आदमियों को राशन भी मिल रहा है, राहुल तो कहता है भूखमरी आ गई है, वो फ्री में राशन दे रहा है, दवाई दे रहा है, बढ़िया हॉस्पिटल हो गए पहले से, नहीं कद भरी पड़ी थी। गरीब के पास 5 लाख रुपया कहाँ से आओगा? मजदूर के भी किसान जो मजदूर है उनका फ्री इलाज किया जा रहा है, इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। ये सब खाली पड़े हैं पंजाब के। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री में 480 करोड़ रुपया माफ करवाया था, ये फ्री का खाना सीख रहे हैं। गाड़ी लो किसान के हिसाब से तो लोन ले लो, और अपनी कोठी बनाओ, गाड़ी बनाओ, बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेकर चलो, काम नहीं करते। पेंशन भी दो, पेंशन यहाँ सबको मिल रही है हरियाणा में।